या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। जल्द ही माता रानी के इस मंत्र का उच्चारण हर देवी मंदिर और घरों में सुनाई देगा। माँ दुर्गा के आगमन में बस चंद दिन ही बाकी है। हर देवी भक्तों को नवरात्र का इंतजार बेसब्री के साथ रहता है। इस साल 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है, जो कि 24 अक्टूबर तक चलेगा। हिंदू धर्म में नवरात्र का त्योहार बहुत ही खास होता है। नवरात्र के त्योहार पर लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना बड़े ही उत्साह के साथ किया जाता है। ऐसे में हर साल माँ किसी सवारी पर आती है और फिर किसी अन्य से जाती है। जब देव लोक से पृथ्वी लोक माँ दुर्गे आती है तो दिन के हिसाब से उनकी सवारियां होती है। इस बार देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों से मिलने आएगी। आपको बता दें कि हर साल नवरात्रि पर माता रानी का वाहन अलग अलग होता है, तो चलिए आज जानते हैं कि देवी माँ की वाहन का क्या अर्थ होता है और इसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। देवी भगवान पुराण के मुताबिक देवी दुर्गा का हाथी पर आगमन अत्यंत शुभ माना जाता है। हाथी वाहन धन धान्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस साल माता रानी अपने साथ ढेरों खुशियां लेकर आ रही हैं। मान्यताओं के अनुसार जब भी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आती है उस साल धन धान्य और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी नवरात्रि का पहला दिन रविवार या सोमवार को पड़ता है तो देवी माँ का वाहन हाथी रहता है। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, लेकिन नवरात्रि पर माता रानी अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं। देवी दुर्गा का आगमन और प्रस्थान दोनों की सवारी अलग अलग होती है। इस साल देवी माँ जहाँ हाथी पर सवार होकर आएंगी तो वहीं प्रस्थान मुर्गा पर होगा। ये वाहन शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं माता रानी का ये वाहन दुख तकलीफ और कष्ट का संकेत देता है। इसके अलावा मुर्गा वाहन राजतंत्र के लिए अशुभ माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।